हेलो क्लास टेंथ, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिखित संचार की तीसरी कार्य प्रणाली के बारे में, और जिसका नाम है पेजर। ओके, इसके द्वारा लिखित सूचनाओं का संचार किया जाता है। ठीक है, पेजर के द्वारा हम लिखित संचार करते हैं। ठीक है, लिखित रूप में संचार करते हैं सूचनाओं का, और इसके द्वारा प्रयोगकर्ता सूचनाओं को सिर्फ ग्रहण कर सकता है। और सूचना प्रेषण के लिए अगर हमें सूचना का प्रेषण करना है, ठीक है, ग्रहण तो हम सिर्फ प्रयोगकर्ता ग्रहण कर सकता है इन सूचनाओं को इस कार्य प्रणाली में, लेकिन अगर सूचनाओं का प्रेषण करना है, भेजना है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी उपकरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जो एक संस्था के द्वारा चलाया जाती है। ठीक है, उपकरण प्रणाली एक संस्था के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, पेजर के द्वारा केवल सूक्ष्म सूचनाओं को ही ग्रहण किया जा सकता है। पेजर एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसके माध्यम से सिर्फ छोटी सूचनाओं को ही ग्रहण किया जा सकता है। यह एक बेतार संचार माध्यम पर आधारित है। बेतार यानी कि इसमें किसी भी तार का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा है इसके बाद आपका लिखित संचार कार्य प्रणाली में ईमेल। ठीक है, जो कि चौथा पॉइंट है हमारा। लिखित आंकड़ों एवं सूचनाओं को प्रेषित या ग्रहण करने के लिए ये बहुत ही परिष्कृत प्रणाली है। परिष्कृत का मतलब एकदम सटीक प्रणाली है। ठीक है, और ये बहुत ही सामान्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। सभी लोग, अधिकतर लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल का प्रयोग करते हैं सूचनाओं और आंकड़ों को प्रेषित करने के लिए या भेजने के लिए। इस प्रणाली के द्वारा हम आंकड़ों का प्रेषण एवं अभिग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे ईमेल कहते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म ही है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल की सुविधा हमें इंटरनेट के द्वारा प्राप्त होती है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम ईमेल नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट बहुत ही आवश्यक है ईमेल करने के लिए। इंटरनेट पर हमें कुछ वेबसाइट्स मिलती हैं जो कि ईमेल के लिए स्थान प्रदान करती हैं, और ईमेल के द्वारा हम किसी भी प्रकार के सूचनाओं को, आंकड़ों को, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो श्रव्य हो, श्रव्य का मतलब सुनने वाला, दृश्य मतलब देखने वाले, किसी भी प्रकार के आंकड़ों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। और इस प्रणाली के द्वारा सूचनाओं का प्रेषण और अभिग्रहण किसके माध्यम से किया जाता है? कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट के द्वारा ईमेल करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है या किसी भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बुक से एक एक पॉइंट आपको समझाती हूँ। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप क्लास में हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके,